अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नूर सबाम। दोस्तों आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैंने क्या बनाया है, कैरमल्स पुडिंग। दोस्तों ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है और ये तीन सामानों में बन भी जाती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी ये, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर बहुत ही बढ़िया और खाने में बहुत ही लजीज। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसे बनाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे आधा कप से भी कम शुगर और इसमें ऐड करेंगे 4 बड़ा चम्मच पानी और इसे हमें ब्राउन होने तक के पकाना है। इसी तरह से चलाते हुए फ्लेम को मैंने हाई रखा है, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों ये पूरा पक चुका है, मतलब ये ब्राउन कलर अच्छा आ गया है। अब हम इसे उस बर्तन में ऐड करेंगे जिसमें हमें पुडिंग बनाना है। मैंने एक केक का टिन लिया है, आप जो भी बर्तन में पुडिंग बनाएंगे उस बर्तन में इसे सेट करिएगा और बहुत ही ध्यान से करिएगा, ये बहुत ही गर्म होता है। तो इस तरह से इसे फैला लें। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया, तो इसे रख देंगे साइड में सेट होने के लिए। अब चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। अब हम इसमें एक बड़े बर्तन में पानी ऐड करेंगे और उसके बाद स्टैंड, आप जो भी स्टैंड यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा पानी नीचे रहना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इस पे अब इसे हम ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे, इसमें स्टीम बने जब तक हम तीसरा प्रोसीजर कर लेते हैं। ये मैंने लिए हैं 4 अंडों को और इसमें 1 कप शुगर डाला है। अब इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है कि सारा शुगर इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये मतलब हो गया है अच्छी तरह से। इसमें हम ऐड करेंगे अब 1/2 लीटर दूध और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच वैनिला एसेंस। अब इसे भी बहुत अच्छी तरह से हम फेटेंगे, मिक्स करेंगे ताकि इसमें से अंडे की स्मेल निकल जाए। तो ये बहुत अच्छी तरह से फेट के हो गया। अब इसे हम 2 से 3 मरतबा इस तरह जाली में छान लेंगे ताकि जो ये मतलब एकदम स्मूथी हो जाए, इसमें जो भी अंडे के भी जो लम्स वगैरह होते हैं वो इसमें से निकल जाए और ये एकदम स्मूथ हो जाए। तो मैंने इसे 2 से 3 मरतबा छान लिया है, तो आप भी इसी तरह से इसे कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये दिखने में भी आपको लग रहा होगा कि एकदम स्मूथी हो गया है। तो इसे अब हम जिस बर्तन में कैरमल्स को सेट किए हैं उसी बर्तन में हम इसे ऐड कर देंगे और इसे अब ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसीजर है, सिल्वर फॉइल से इसे हम बहुत अच्छी तरह से ढक देंगे, पैक कर देंगे ताकि इसमें जो हम स्टीम में पकने के लिए रखेंगे तो इसकी उसकी स्टीम इसके अंदर ना जाए, भाप इसके अंदर ना जाए। आपको पता है स्टीम जब मतलब ठंडी होती है तो गीलापन उसमें हो जाता है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इसे सिल्वर पेपर से कवर कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से पैक हो गया है, आप देख सकते हैं हमारी स्टीम भी अच्छी तैयार हो गई है। अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे ढककर आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अभी आपकी फ्लेम कैसे है, तेज़ फ्लेम है तो आप इसे लो फ्लेम पे भी रख देंगे। ये मेरे आधे घंटे हो गए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों चेक करने का तरीका ये है कि आप एक टूथपिक लें और इसमें डालें, तो देखिए इसमें बिल्कुल भी बैटर इसका नहीं चिपक रहा है, मतलब हमारी पुडिंग तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और फ्रिज में रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होकर सेट हो गई है, तो इसे हम अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। पहले हम छुरी की मदद से इसे चारों तरफ से निकाल लेंगे और उसके बाद हम किसी भी एक बड़े प्लेट में लेके इसे इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी कैरमल्स पुडिंग तैयार हो गई है। मैं आपको एक इसकी पीसेस काट कर दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।